नमस्कार, आपका स्वागत है पत्रिका टीवी में। मैं शिल्पी। अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। बहू को संबंध बनाने के लिए किया प्रताड़ित। रेत माफिया ने सिंध में बनाया अवैध पुल। बाल संसद में गंगा की सफाई पर हंगामा। मांस मंडी हटाने का मुद्दा गहराया। स्कूल में 10 मिनट तक खूनी खेल खेलता रहा सरफिरा। अब खबरें विस्तार से। हाईकोर्ट न्यायालय के जज संजय यादव ने सीएम शिवराज के वॉशिंगटन में अच्छी हमारी सड़कें वाले बयान पर टिप्पणी करते कहा कि सीएम शिवराज सिंह पहले देख ले कि सड़कों की क्या हालत है। सरकार कहती है कि हमारी सड़क वॉशिंगटन से अच्छी है, जरा ये फोटो भी देख ले। मध्य प्रदेश की सड़कों के क्या हालात है, यहाँ सड़कों की स्थिति कितनी खराब है, ये फोटो भी बता रहे हैं। न्यायमूर्ति संजय यादव ने यह तख्त टिप्पणी सनीचरा की सड़कों की स्थिति को लेकर तब की जब न्यायालय द्वारा पिछली सुनवाई पर दिए गए निर्देश के बाद भी शासन द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया। न्यायमूर्ति संजय यादव एवं न्यायमूर्ति एस के अवस्थी की युगलपीठ के समक्ष एडवोकेट वीरबल धाकड़ द्वारा सनीचरा मंदिर की सड़क के साथ ही आसपास के पर्यटन स्थलों की सड़कों को लेकर प्रस्तुत याचिका पर सुनवाई के दौरान अधिवक्ता आर के सोनी से कहा कि न्यायालय द्वारा पिछली सुनवाई पर दिए गए आदेश की प्रतिपालन रिपोर्ट शासन द्वारा पेश नहीं की गई। इस पर न्यायालय ने शासन से पूछा कि यहाँ की सड़कों के लिए जो 136 करोड़ रुपए का प्लान शासन को भेजा गया था, उसे कब तक स्वीकृति मिलेगी। इस पर न्यायालय ने शासन की ओर से उपस्थित शासकीय अधिवक्ता ने कहा कि वे इस संबंध में एक सप्ताह में जवाब प्रस्तुत करेंगे। न्यायालय ने पिछली सुनवाई पर योजना पर की गई कार्रवाई की जानकारी पेश करने के निर्देश दिए थे। दुर्घटना को रोकने के लिए भारी वाहन के प्रवेश के बंद होने से उपजी समस्या से ट्रांसपोर्ट और व्यापारियों को आज निजात मिल सकती है। दुर्घटना को रोकने के लिए भारी वाहनों के प्रवेश के बंद होने से उपजी समस्या से ट्रांसपोर्ट और व्यापारियों को आज निजात मिल सकती है। प्रवेश पर रोक के चौथे दिन भी ट्रांसपोर्ट और व्यापारी दोनों ही परेशान होते रहे। ट्रांसपोर्ट के ट्रक शहर में नहीं आने से जहां उन्हें ट्रकों को घुमाकर लाना पड़ा, वहीं व्यापारियों को भी इससे परेशानी उठानी पड़ी। बुधवार को ट्रांसपोर्ट ने SP डॉक्टर आशीष से मुलाकात की तो उन्हें ये कहकर रवाना कर दिया गया कि रात में ट्रैफिक खोल दिया जाएगा। वहीं दाल बाजार के थोक कारोबारियों का प्रतिनिधित्व कर रहे मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स से SP ने बातचीत में कहा कि CM आ रहे हैं, इसलिए हम भी उनकी तैयारियों में जुटे हैं। इस मामले पर कल बैठक चर्चा करेंगे। रात में पुलिस प्रशासन ने ट्रांसपोर्ट से शहर में संचालित कुल ट्रांसपोर्ट की सूची मांगी है। इस सूची के आधार पर प्रशासन ने स्टिकर लगे वाहनों को ही तय सीमा में निश्चित रूट से प्रवेश देने का मन बनाया है। ट्रांसपोर्ट कारोबारियों ने प्रशासन से मुलाकात की तो उन्हें रात में प्रवेश खोलने के लिए कहा गया। इस मामले पर लोकल ट्रांसपोर्ट यूनियन के अध्यक्ष राजीव मोदी ने बताया कि पूर्व में हम 23 नवंबर से हड़ताल पर जाने का मन बना रहे थे, पर अब यदि गुरुवार को भी इस मामले पर निर्णय नहीं होता है तो 25 नवंबर से हड़ताल पर चले जाएंगे। जीवाजी यूनिवर्सिटी में डायबिटीज के इलाज से शुरू हुई डिस्पेंसरी अब बड़ा रूप लेने जा रही है। जीवाजी के साइंस डिपार्टमेंट में डेंगू स्वाइन फ्लू के साथ पेट की बीमारियों की दवा बनाने के लिए शोध कार्य शुरू किया गया है। जीवाजी यूनिवर्सिटी में डायबिटीज के इलाज से शुरू हुई डिस्पेंसरी अब बड़ा रूप लेने जा रही है। JU के साइंस डिपार्टमेंट में डेंगू स्वाइन फ्लू के साथ पेट की बीमारियों की दवा बनने के लिए शोध कार्य शुरू किया जाएगा। इसके लिए कुलपति प्रोफेसर संगीता शुक्ला ने दिल्ली के एम्स अस्पताल के विशेषज्ञों सहित कुछ विदेशी एक्सपर्ट से बात की है। जल्द विशेषज्ञों की टीम JU आकर यहाँ रिसर्च के लिए लैब का निरीक्षण करेगी। इस रिसर्च की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जो दवा तैयार की जाएगी वो पेड़ पौधों के अर्क से
बनी होगी। शोध के लिए नर्सरी में करीब 240 प्रजाति के पौधे लगाए जाएंगे। प्रबंधन ने शोध के लिए करीब 2 करोड़ के उपकरण खरीद लिए हैं। वहीं कुछ खास उपकरणों के ऑर्डर विशेषज्ञों की टीम ने निरीक्षण के बाद दिए जाएंगे। शोध कार्य के लिए JU में अलग से रिसर्च बिल्डिंग बनाई गई है, जिसके 2 फ्लोर में सिर्फ रिसर्च वर्क होगा। रोपवे का काम लगातार टलने के चलते अब किले के उरवई गेट पर ट्रैफिक लोड कम करने वाले वाहनों के लिए दूसरे रास्ते पर प्लान बनाने का काम शुरू हो गया है। किले पर जाने के लिए एक बनाए जाने वाले रोप वे का काम अब तक शुरू नहीं हो सका। रोप वे का काम लगातार टालने से चलते अब किले की उरवई गेट पर ट्रैफिक लोड कम करने वाहनों के लिए दूसरे रास्ते पर प्लान बनाने का काम शुरू हो गया है। इसके लिए मंगलवार को निगम आयुक्त विनोद शर्मा ने रास्ते की संभावनाओं को देखा। वहीं बुधवार को पुनः नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची और उरवई गेट के विकल्प के रूप में दूसरे रास्ते की संभावनाओं की तलाश शुरू की। इस दौरान खंबा ताल हनुमान मंदिर के आसपास के पुराने रास्ते को चौड़ा कर सिंधिया नगर के रास्ते से मिलने के लिए योजनाओं पर चर्चा हुई। फिलहाल झाड़ियों ने अफसरों का रास्ता रोक लिया। इसके लिए अब जल्द ही ड्रोन से उक्त रास्ते की वीडियोग्राफी कराई जाएगी, साथ ही सैटेलाइट इमेज पर इनसे नज़दीक और कम खर्चीले वाले प्रोडक्ट पर योजना बनेगी, ताकि उरवई गेट पर एक ही समय में आने वाले वाहनों को अनावश्यक रूप से रुकना नहीं पड़े। जानकारों की माने तो किले के कई रास्ते रियासत के समय हुआ करते थे, जिनमें से कई रास्ते घोड़े हाथी और लोगों के पैदल चलने वाले थे। इसके बाद कई रास्तों को सुरक्षा की दृष्टि से बंद कर दिया गया। रौंदाना अंतर्गत बड़ी मौरावी मछंड में एक 26 वर्षीय विवाहिता को दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर ससुर ने बहू के साथ शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास किया। रौंदाना अंतर्गत बड़ी मौरावी मछंड में एक 26 वर्षीय विवाहिता को दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर ससुर ने बहू के साथ शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास किया। बहू द्वारा विरोध जताने पर उसे कमरे में बंद रख यातनाएं दी। पुलिस ने महिला की शिकायत पर ससुर सहित सभी 5 ससुरालीजन के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मीरा कॉलोनी मुरार ग्वालियर निवासी रश्मि ने पुलिस को बताया कि 25 अक्टूबर 2017 की शाम 7 बजे उसके ससुर ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए जबरदस्ती की। विरोध करने पर उसके साथ न केवल मारपीट की बल्कि कमरे में बंद कर उसे भूखा प्यासा रखा। ससुराली जन लंबे समय से दहेज की मांग कर रहे थे, जिसके पूरा नहीं होने पर उन्होंने उसे हर तरह की प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। पुलिस ने आरोपी पति अनिल जाटव, ससुर आनंद स्वरूप, सास राम सुमरानी, जेठ सोनू, देवर सुरेन जाटव निवासी बड़ी मोरावी मछंड के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। रेत माफिया ने भरौली थाना क्षेत्र के दाहिमा गांव में सिंध नदी पर स्थानीय थाना पुलिस व खनिज महकमे के अमले की सांठगांठ से सीमेंट के पाइप डालकर अवैध अस्थायी कच्चे पुल का निर्माण कर लिया है। प्रशासन के तमाम प्रयासों के बावजूद जिले में रेत का अवैध खनन व परिवहन चरम पे है। रेत माफिया ने भरौली थाना क्षेत्र में दाहिमा गांव में सिंध नदी पर स्थानीय थाना पुलिस व खनिज महकमे के अमले की सांठगांठ से सीमेंट के पाइप डालकर अवैध अस्थायी कच्चे पुल का निर्माण कर लिया है। इस पुल का इस्तेमाल रेत खनन में इस्तेमाल होने वाली हैवी अर्थ मूविंग मशीनों व ट्रक डंपरों को नदी से इस पार से उस पार लाने आने जाने के लिए हो रहा है। इस लगभग 1 किलोमीटर लंबे कच्चे पुल में बड़े बड़े सीमेंट के पाइप व सैकड़ों की तादाद में रेत की बोरिंग लगाकर नदी से इस पार से उस पार जाने के लिए रास्ता बना दिया गया है। हैरत की बात यह है कि महीनों से चल रहे इस अवैध पुल के निर्माण की कोई भनक पुलिस, खनिज व राजस्व महकमे के अमले को नहीं लग पाई। रौन विकास खंड की रेमजा पंचायत के महायर गांव में भी रेत सिंध नदी से रेत के बड़े पैमाने पर उत्खनन जारी है। रौन थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली रेत की दर्जन भर वैध अवैध खदानों पर रात 11 से सुबह 4 बजे तक 3D व पोकलेन मशीनों से रेत की बड़े पैमाने पर निकासी होती है और रेत से लदे ट्रक व डंपर सारी रात पुलिस के सामने से बेरोक टोक गुजरते हैं।
शहर की बदहाल यातायात व्यवस्था पर पुलिस प्रशासन का कुप्रबंध एक बार फिर दिखा। बुधवार को वीरांगना झलकारी बाई की जयंती पर निकाले गए चल समारोह के दौरान पुलिस की कोई व्यवस्था न होने से पूरी MS रोड पर जाम लगता रहा। शहर की बदहाल यातायात व्यवस्था पर पुलिस प्रशासन का कुप्रबंधन एक बार फिर दिखा। बुधवार को वीरांगना झलकारी बाई की जयंती पर निकाले गए चल समारोह के दौरान पुलिस की कोई व्यवस्था न होने से पूरी MS रोड पर जाम लगता रहा। पुराने बस स्टैंड के पास तो देर तक वाहन जाम में फंसे रहे और कोई व्यवस्था संभालने वाला नहीं था। शहर का अधिकांश यातायात दबाव MS रोड पर ही है। जब कोई रैली, जुलूस या चल समारोह निकाला जाता है तो प्रशासन यातायात परिवर्तित करने की कोशिश भी नहीं करता। इसी वजह से बुधवार को MS रोड पर जाम लग गया। फायर ब्रिगेड स्टेशन के सामने जाम लगाने से लोगों को जीवाजीगंज, जिला पंचायत रोड, जेल रोड होकर आना पड़ रहा है। करोड़ों रुपए खर्च होने पर भी गंगा की सफाई ना हो पाने पर संसद में हंगामा हो गया। जल संसाधन मंत्री के जवाब से संतुष्ट ना होने पर विपक्ष के सदन में जमकर हंगामा किया। करोड़ों रुपए खर्च होने पर भी गंगा की सफाई ना हो पाने पर संसद में हंगामा हो गया। जल संसाधन मंत्री के जवाब से संतुष्ट न होने पर विपक्ष के सदन में जमकर हंगामा हुआ। सरकार के प्रति नारेबाजी की सेम सेम के नारे के बीच लोकसभा के स्पीकर को बीच में हस्तक्षेप करना पड़ा। जी हां, यह हंगामा दिल्ली स्थित संसद भवन में नहीं बल्कि स्थानीय स्टेडियम में चल रही बाल संसद में हुआ। जल संसाधन मंत्री एवं गंगा सफाई मंत्री की भूमिका में मौजूद अंशिका गोस्वामी ने कहा कि गंगा को शिवजी ने धरती पर उतारा है। सफाई पर किए गए सवाल पर विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि वह पिछले 60 साल से गंगा की सफाई नहीं कर सके और मौजूदा सरकार से इतनी जल्दी सफाई की उम्मीद कर रहे हो। इस पर विपक्ष का कहना था कि सरकार ने योजनाएं तो बनाई पर उन पर अमल नहीं किया जा सका। जवाबों से असंतुष्ट होने पर विपक्ष ने जमकर हंगामा करते हुए कहा कि जब गंगा की सफाई नहीं कर सकते तो सरकार ही क्यों बनाई। विपक्ष ने यह भी सवाल किया कि देश के में जमकर गर्भ में भ्रूण का लिंग परीक्षण किया जा रहा है। इस पर विभाग के मंत्री ने जवाब दिया कि इसके लिए दल बना दिए गए हैं। इस पर विपक्ष ने हंगामा करते हुए कहा कि मंत्री जी यह भी बताएं कि अभी तक कितने लोगों की कार्रवाई की। विपक्ष के सांसद ने सवाल किया कि देश की सड़कों की हालत बेहद खराब है, हादसों से लोगों की मौत हो रही है। इस पर परिवहन मंत्री ने जवाब दिया कि देश में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। एक घंटे में प्रश्नकाल में 35 सवालों के जवाब दिए गए। बुधवार की सुबह 11 बजे स्टेडियम परिसर में शुरू हुई बाल संसद का आयोजन प्रदेश बाल संरक्षण आयोग के मार्गदर्शन में महिला एवं बाल विकास विभाग, स्कूली शिक्षा विभाग द्वारा किया गया। नगर परिषद के सभागार में परिषद का साधारण सम्मेलन बुधवार को आयोजित हुआ, जिसमें नगर विकास को लेकर 65 प्रस्ताव रखे गए जो कि सर्वसम्मति से पास हुए। नगर परिषद के सभागार में परिषद का साधारण सम्मेलन बुधवार को आयोजित हुआ, जिसमें नगर विकास को लेकर 35 प्रस्ताव रखे गए जो कि सर्वसम्मति से पास हुए। बैठक की अध्यक्षता नगर परिषद कोक सिंह पटेल ने की। इस अवसर पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी महेंद्र सिंह यादव, उपाध्यक्ष सुनील सिहारे, विधायक प्रतिनिधि सुरेंद्र श्रीवास्तव, इंजीनियर सूरज गर्ग उपस्थित रहे। परिषद की बैठक में नगर में होने वाले कार्यों की स्वीकृति के लिए 35 विषय रखे गए, जिसमें सबसे ज्यादा नाला निर्माण, नाली निर्माण एवं उनके ऊपर जाल बिछाए जाने के विषय रखे गए। इसके अलावा वार्ड क्रमांक 12 एवं 15 में WBM रोड, नवीन बस स्टैंड पर माँ शीतला माता का मेला लगवाए जाने के लिए अध्यक्ष द्वारा दी गई स्वीकृति की पुष्टि की। विद्युत सामग्री क्रय करने, व्यक्तिगत शौचालय की अवधि बढ़ाए जाने, टचिंग ग्राउंड एवं इलेक्ट्रॉनिक पोल लगाने सहित रखे गए सभी 65 विषय सर्वसम्मति से पास किए गए। शहर के एक निजी स्कूल में बुधवार की दोपहर तब चीख पुकार और भगदड़ मच गई जब एक सरफरे ने स्कूल में पहुंचकर लोहे की रॉड से चौकीदार पर जानलेवा हमला बोल दिया। शहर के एक निजी स्कूल में बुधवार की दोपहर तब चीख पुकार और भगदड़ मच गई जबकि एक सरफरे ने स्कूल में पहुंचकर लोहे की रॉड से चौकीदार पर जानलेवा हमला बोल दिया और प्राचार्य सहित स्कूल के अन्य स्टाफ को गालियां देते हुए एक दूसरे कमरे में उन्हें तलाशने लगा और प्राचार्य कक्ष के शीशे आदि तोड़ दिए। इससे बच्चे और शिक्षक दोनों ही बुरी तरह से सहम गए।
और अपने प्राण बचाने के लिए एक कक्ष से दूसरे कक्ष में भागते रहे। वहीं प्राचार्य ने भी अंदर से दफ्तर के दरवाजे लगाकर खुद की जान बचाई। लोगों की जान में जान तब आई जब डायल 100 की गाड़ी स्कूल में पहुंची और उन्होंने बच्चे व स्कूल के स्टाफ को उनके सुरक्षित रहने का भरोसा दिलाया, साथ ही घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां से चौकीदार को ग्वालियर के लिए रेफर कर दिया गया। पुलिस ने सिरफरे को स्कूल के बाहर से उसकी धमकियों की परवाह किए बिना बड़ी ही चतुराई से पकड़ लिया। मामले के अनुसार दोपहर 1 बजे के करीब प्रणय उर्फ पिंटू सिंह चौहान निवासी बजरंग कॉलोनी मंडी विजयपुर अचानक कैरियर फाउंडेशन नामक निजी स्कूल में जा पहुंचा और सरिया हाथ में लेकर गाली गलौज करते हुए प्राचार्य की कक्ष की ओर बढ़ने लगा। स्कूल के चौकीदार कम्मू प्रजापति ने जब उस प्राचार्य कक्ष की ओर जाने से रोका तो प्रणय सिंह ने उस पर हमला बोल दिया और उसे सरिये से जब तक मारता रहा जब तक कि वह बेदम ना हो गया। बताया गया है कि आरोपी प्रणय स्कूल से उसे निकाल दिए जाने से नाराज चल रहा था और उसी का बदला लेने के लिए आज वह स्कूल में घुसकर यह खूनी खेल खेला। विजयपुर थाना पुलिस ने फरियादी कैलाश चंद्र समाधिया की रिपोर्ट पर आरोपी प्रणय के खिलाफ धारा 307, 452, 506 बी के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। वीरांगना झलकारी बाई की 187वीं जयंती बुधवार को कौली महौर समाज ने शौर्य दिवस के रूप में मनाई। वीरांगना झलकारी बाई की 187वीं जयंती बुधवार को कौली महौर समाज ने शौर्य दिवस के रूप में मनाई। इस दौरान कौली युवा संगठन ने शहर में विकास चल समारोह निकाला। चल समारोह में वीरांगना झलकारी बाई की वेशभूषा में सजी युवती आकर्षण का केंद्र रही। स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान देने वाली वीरांगना झलकारी बाई की जयंती पर चल समारोह शहर के श्री हजारेश्वर पार्क से प्रारंभ हुआ, जो शहर के SAF लाइन, गुलंबर चौक, मुख्य बाजार, टोपी बाजार, पुल दरवाज़ा, बड़ौदा रोड, पाली रोड होते हुए सालापुरा स्थित माहौर समाज के छात्रावास पहुंचा। यहां कोली युवा संगठन द्वारा सांस्कृतिक व जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें समाज के युवक युवतियों ने जहां सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी, वहीं समाज के वरिष्ठ लोगों ने युवाओं को झलकारी बाई के जीवन चरित्र से प्रेरणा लेने की अपील की। वक्ताओं ने कहा कि अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई को सुरक्षित निकालकर अपने प्राण देश पर न्यौछावर करने वाली वीरांगना झलकारी बाई ने देश के साथ पूरे कोली समाज का सम्मान बढ़ाया था। इस दौरान युवा संगठन और कौली समाज के लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे। श्योपुर से ग्वालियर जाने वाली ट्रेन बुधवार की सुबह गिलास गांव के पास इंजन में आई खराबी के कारण ट्रेन लगभग 5.5 घंटे तक खड़ी रही। श्योपुर से ग्वालियर जाने वाली ट्रेन बुधवार की सुबह गिलास गांव के पास पसर गई। इंजन में आई खराबी के कारण ट्रेन लगभग 5.5 घंटे तक खड़ी रही और सबलगढ़ से दूसरा इंजन आया, तब जाकर ट्रेन को रवाना किया गया। इस दौरान लगभग 5 घंटे तक यात्री परेशान होते रहे। घटनाक्रम के मुताबिक प्रतिदिन श्योपुर से ग्वालियर जाने वाली 52172 अप ट्रेन बुधवार को भी अपने निर्धारित समय सुबह 6:10 बजे श्योपुर से रवाना हुई, लेकिन सुबह 6:30 बजे के आसपास ट्रेन दांतरदा स्टेशन के पास गिलास गांव के सामने पहुंची। तभी इंजन में अचानक तकनीकी खराबी आ गई और इंजन बंद हो गया। हालांकि ट्रेन के तकनीकी स्टाफ ने खराबी को दूर करने का प्रयास किया, लेकिन नाकाम रहे। यही वजह है कि सबलगढ़ से दूसरा इंजन बुलाना पड़ा, जो सुबह 11 बजे से आसपास पहुंचे और दोपहर 12 बजे ट्रेन रवाना हुई। इस दौरान कई यात्री या तो रवाना होने के इंजन में बैठे रहे या फिर कई यात्री निजी साधनों से अपने गंतव्य को रवाना हुए। शहर के फिजिकल थाना क्षेत्र की शांतिनगर कॉलोनी में रहने वाली एक नाबालिग छात्रा को कोचिंग जाते समय 3 युवकों ने रास्ता रोककर न केवल छेड़ा बल्कि उसका हाथ भी पकड़ लिया। एक तरफ सरकार महिला सुरक्षा के दावे कर रही है, सीएम आए दिन बैठक ले रहे हैं, लेकिन उनका वास्तविक धरातल पर कितना पालन किया जा रहा है, इसके उदाहरण शिवपुरी जिले के आसानी से देखे जा सकते हैं। शहर के फिजिकल थाना क्षेत्र की शांतिनगर कॉलोनी में रहने वाली एक नाबालिग छात्रा को कोचिंग जाते समय 3 युवकों ने रास्ता रोककर
न केवल छेड़ा बल्कि उसका हाथ पकड़ लिया। बेटी ने अपनी माँ के साथ जाकर जब पुलिस में शिकायत की तो फिजिकल थाने में पॉस्को एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। पुलिस ने एक माह बाद भी जब आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया तो उसके हौसले इतने बुलंद हो गए कि उनके नज़दीकियों ने पीड़ित छात्रा की माँ को रास्ते में रोककर पीट दिया। पुलिस ने एक कदम आगे बढ़कर पॉस्को एक्ट के एक आरोपी के पिता की रिपोर्ट पर पीड़ित छात्रा के माता पिता के विरुद्ध हजन एक्ट की कायमी कर ली। अब पूरा परिवार दहशत में है। शांतिनगर कॉलोनी में रहने वाली एक महिला की 5 बेटियां हैं तथा पति एक छोटी सी नौकरी करता है। अपनी बेटियों को पढ़ाने के लिए महिला घर घर में काम करने जाती है। कक्षा 12वीं में पढ़ने वाली 16 साल की बेटी जब 10 अक्टूबर 2017 की सुबह 5:30 बजे कोचिंग पर पढ़ने जा रही थी तो शांतिनगर कॉलोनी में ही संजय शाक्य, महेश शाक्य व एक अन्य ने रास्ता रोक लिया। इन युवकों ने छात्रा का हाथ पकड़कर उसके साथ गलत हरकत करने का प्रयास किया। इसी बीच जब छात्रा चिल्लाई तो आरोपी मौके से भाग गए। चूंकि छेड़छाड़ करने वाले युवक उसकी ही कॉलोनी के थे इसलिए उन्हें न केवल पहचान लिया बल्कि अपनी मां के साथ पुलिस थाने जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने धारा 354 के अलावा पॉस्को एक्ट की धारा 7 व 8 के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। प्रकरण दर्ज करने के बाद पुलिस के 3 आरोपियों में से एक नाबालिग को पकड़ने के बाद छोड़कर अपनी कार्रवाई का कॉलम पूरा कर लिया, जबकि 2 बालिग आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। आरोपी के हौसले इतने बुलंद हुए कि छात्रा की मां जब काम करके घर लौट रही थी तब उसका रास्ता रोककर 19 नवंबर को मदन शाक्य, गोपाल तोमर एवं सुरेश शाक्य ने मारपीट कर दी। इस मामले में पुलिस ने क्रॉस प्रकरण दर्ज कर लिया है जिसमें महिला पीड़िता व उसके पति के खिलाफ हरिजन एक्ट का प्रकरण दर्ज कर लिया। यह पूरा परिवार दहशत में है। सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कोलारस के ग्राम खरई एवं कार्या में 7,32,00,000 रुपए की लागत से बनने वाली कार्या से गहोई सड़क का भूमि पूजन किया। कोलारस का उपचुनाव मध्य प्रदेश की राजनीति का भविष्य तय करेगा। महिलाओं की सुरक्षा, नौजवानों को रोजगार, किसानों को इंसाफ व आदिवासियों को उनका हक मिल सके इसके लिए आप कांग्रेस को मजबूत करें और हम सब मिलकर प्रदेश के भविष्य का निर्माण करेंगे। यह बात सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कोलारस के ग्राम खरई एवं कार्य में 7,32,00,000 रुपए की लागत से बनने वाली कार्य से गोहरी सड़क के भूमि पूजन अवसर पर आयोजित आम सभा एवं बदरवास के ग्राम रामपुरी में आम सभा को संबोधित करते हुए कही। सिंधिया ने मुख्यमंत्री को घोषणा वीर सीएम की संज्ञा देते हुए कहा कि 4 वर्ष पूर्व उन्होंने कोलारस में जो घोषणाएं की थी वह आज तक पूरी नहीं हो सकी। यही नहीं, अटेर उपचुनाव के सीएम ने 140 घोषणाएं की परंतु 6 माह होने को आ रहे हैं, एक भी घोषणा पर अमल नहीं हो सका। सिंधिया ने शिवराज सिंह चौहान पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कोलारस उपचुनाव के लिए सीएम अपने मंत्रिमंडल को लेकर कोलारस में आपको बरगलाने के लिए आएंगे, तब आप उनसे पूछना कि चुनाव के समय ही क्यों आते हो, 4 वर्ष पूर्व चुनाव के समय जो घोषणाएं की थी उनका क्या हुआ। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बहू को संबंध बनाने के लिए किया प्रताड़ित। रेत माफिया ने सिंध में बनाया अवैध पुल। बाल संसद में गंगा की सफाई पर हंगामा। मांस मंडी हटाने का मुद्दा गहराया। स्कूल में 10 मिनट तक खूनी खेल खेलता रहा सरफिरा। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर, तब तक के लिए नमस्कार।